ललन बाबू आप जिस के विरुद्ध में, जिस भ्रष्टाचारी और अपराधी आतंकवादी के विरुद्ध में आपने गया था, और माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी का यहाँ स्वागत अभिनंदन ही नहीं, फिर से बिहार के नव निर्माण के लिए बिहार को अपराधियों से भ्रष्टाचारियों से मुक्ति का एक आंदोलन शुरू होगा। बिहार के लखीसराय में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का एक बड़ा कार्यक्रम होना, उसको लेकर जेडीयू आरजेडी के लोगों की तरफ से बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। और इस बीच अब नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भी जमकर ललन सिंह और विपक्षी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम कल होना, बिहार के लखीसराय में एक बड़ा कार्यक्रम की तैयारी बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने साफ साफ विपक्षी नेताओं के बैठक से लेकर विपक्षी नेताओं की एकजुटता पर सवाल लगातार खड़ा कर दिया। मगर अब जब अमित शाह बिहार आ रहे हैं और ठीक उसके पहले ललन सिंह पर भी उन्होंने जमकर निशाना साध दिया। विजय कुमार सिन्हा ने साफ साफ कहा है कि जनता उनके तैयारियों में लगी है और जो लोग आतंकवादियों के पत्थर मारने पर भी मौन रहते हैं, भ्रष्टाचारियों के जिस तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं उस पर भी मौन रहते हैं, तो अमित शाह का ये कार्यक्रम कई लोगों पर निशाना साधेगा। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर विजय कुमार सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो सरदे अटल जी का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, करोड़ों भारतीयों का, उन शहीदों का जिसका सपना था, जिसको तुष्टिकरण की राजनीति से विपक्षियों ने कमजोर करने का प्रयास किया, जिसने आतंकवादियों के पत्थर बरसाने पर भी मौन रहता है, देश के अंदर बम विस्फोट होने पर भी गौन रहता है, और तुष्टिकरण की राजनीति से वोट के भिखारी बनकर के राष्ट्र को कमजोर करता है, उससे मुक्ति दिलाने वाले देश के गृह मंत्री लौह पुरुष माननीय अमित शाह जी का लखीसराय की धरती पर आगमन आज कहीं ना कहीं यहाँ की जनता उनकी स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। और लखीसराय श्री बाबू का धरती रहा है, इस धरती से एक बड़ा संदेश जाएगा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू, आप जिस के विरुद्ध में, जिस भ्रष्टाचारी और अपराधी आतंकवादी के विरुद्ध में आपने गया था, आज उसके साथ गलबहियां कर रहे हैं, उसका भी यहाँ की जनता जवाब देगी। और माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी का यहाँ स्वागत अभिनंदन ही नहीं, इनके आह्वान पर श्री बाबू की धरती से फिर से बिहार के नव निर्माण के लिए बिहार को अपराधियों से भ्रष्टाचारियों से मुक्ति का एक आंदोलन शुरू होगा। वह आंदोलन 21वीं सदी के भारत बनाने में बिहार अग्रदूत के रूप में भूमिका निभाएगा। यह शंखनाद देश के गृह मंत्री जी के द्वारा 29 तारीख को किया जाएगा, और विपक्षियों को एक बड़ा सबक मिलेगा कि ये राष्ट्र को एकजुटता करने के लिए, सामाजिक सद्भाव बढ़ाने के लिए ये बिहार की धरती पर आ रहे हैं, इसका एक बड़ा संदेश जाएगा। तो आप सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को, जिन्होंने ललन सिंह पर भी जमकर निशाना साधा है और विपक्षी नेताओं की बैठक पर भी उन्होंने जमकर प्रहार कर दिया है। अब देखते हैं कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का यह बयान सामने आया है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये वोट की भीख मांगते हैं, आतंकवादियों के पत्थर चलाने पर भी चुप रहते हैं, बम चलाने पर भी वो चुप रहते हैं। तो अब देखना है कि अमित शाह के कार्यक्रम के पहले बीजेपी का बड़ा बयान सामने आ गया है, तो महागठबंधन के लोग किस तरीके से इस बयान को देखते हैं। बहरहाल, इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।